इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज लखनऊ में लड़की से अभद्रता पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीसीपी एसीपी एडीसीपी को पद से हटा दिया गया है। ये बड़ा एक्शन योगी सरकार का, एसएचओ चौकी इंचार्ज चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में हुड़दंग करने वालों पर भी अब योगी सरकार ने एक्शन लिया। ये बड़ा एक्शन, उत्तर प्रदेश में गोमती नगर मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से गिरफ्तार आरोपियों में पवन यादव मोहम्मद अरबाज शामिल हैं। ये बड़ी खबर, कल बारिश के दौरान लड़की से अभद्रता करने का मामला आया था, जिस पर योगी सरकार ने आज एक्शन लिया है। योगी सरकार ने लखनऊ में लड़की से अभद्रता पर योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन है। डीसीपी एसीपी एडीसीपी को पद से हटाया गया है, ये बड़ा एक्शन। इसके अलावा एसएचओ चौकी इंचार्ज चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी घटना आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़की के साथ अभद्रता की जा रही है। गोमती नगर मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में पवन यादव मोहम्मद अरबाज भी शामिल थे। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि कल बारिश के दौरान लड़की के साथ अभद्रता की गई थी। लखनऊ में लड़की से अभद्रता पर योगी सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है, जिस पर डीसीपी एसीपी एडीसीपी समेत कई पुलिस कर्मियों को पद से निलंबित कर दिया गया है। योगी सरकार ने एक मैसेज दिया कि ऐसी घटनाओं को कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। हालांकि ये योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन साबित होने वाला है, शायद और भी लोग जो इस तरह की घटना सोच सकते हैं करने के लिए, उनके लिए बड़ा सबक होगा। कल बारिश के दौरान लड़की के साथ ये हादसा हुआ, जिस पर आज ही योगी सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में डीसीपी एसीपी और एडीसीपी को पद से हटाया गया है। इतना ही नहीं, साथ ही एसएचओ चौकी इंचार्ज को चौकी से सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये पूरा मामला हुड़दंग करने का है, जिस पर योगी सरकार ने एक्शन लिया। निलंबित के साथ साथ इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पवन यादव मोहम्मद अरबाज भी शामिल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, जिस पर एडीसीपी और एसीपी समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है? में बारिश की थी और कहा जाता है कई घंटों की बारिश में एक लखनऊ के ताज होटल के पास एक प्रकरण हुआ था, जिसमें भारी संख्या में पानी भर गया था, जिसके बाद वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों को जो हुड़दंगे से परेशान कर रहे थे, और इसी में एक महिला और पुरुष अपनी बाइक से जाए थे, जिसमें हुड़दंगे द्वारा उस महिला को परेशान किया गया, उसकी अस्पताल को ठेस पहुंचाने का काम किया गया था और महिला से अवस्था किया गया थी, और जिसके बाद कल ये वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस एक्शन में आई और वहां पर जो हुड़दंगी थे उन 4 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। तत्काल पहले 2 लोग गिरफ्तार किया, फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज की गई। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर जो क्षेत्र था गोमती नगर क्षेत्र, वहां के जोन के जो एसीपी थे प्रबल प्रताप सिंह और साथ ही साथ जो चौकी स्टार थे, दो इंस्पेक्टर थे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से सहायक पुलिस आयुक्त, तो इन सभी को वहां से हटाने का काम किया गया और 4 लोगों को निलंबित करने का काम किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें जो चौकी इंचार्ज थे ऋषि विवेक, उनको निलंबित करने का काम किया गया। चौकी जो वहां पर सिपाही था उसको हटाने का काम किया, उप निरीक्षक और कपिल को हटाने का काम किया गया। ऐसे 4 लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है और जो उच्च अधिकारी थे लखनऊ पुलिस कमिश्नर की, ये पहली बड़ी कार्रवाई है जब उन्होंने पदभार संभाला है, और ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी। और जो महिला की ठेस पहुंचाने का काम किया गया, उस महिला का वीडियो वायरल होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की, और ये गूंज लखनऊ में ही नहीं, ये सदन में उत्तर प्रदेश के नागपुर सत्र चल रहा है, वहां भी ये गूंजना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये भी बताइए कि पहला ये वीडियो कहां से रिकॉर्ड किया गया, ये वीडियो कैसे वायरल हुआ, या क्या किसी के जरिए किया गया यहाँ पर या फिर वहां पर मौजूद सीसीटीवी के फुटेज में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया? साथ ही आपने बताया कि 4 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन वीडियो में देख सकते हैं कि कई सारे लोग थे जो इस तरह की हरकत कर रहे थे। देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ है कि जो मौजूद वहाँ व्यक्ति था उससे रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद ये वायरल किया गया, और वायरल में ये खबरें जब मीडिया में चलती लगी तब ये कार्रवाई हुई, और साफ तौर से कहा जाता है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि
महिलाओं से अभद्रता मामले में ये लगातार सरकार लगातार एक्शन लेती है और लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने इसका संज्ञान लिया, उच्च अधिकारियों को हटाने का काम किया और साफ ये कहा जा सकता है कि ये लखनऊ पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को एक बड़ी कह सकते हैं कि फेस वॉश पे जरूर पहुंची होगी, क्योंकि अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें चौकी इंचार्ज समेत उप निरीक्षक थे और जो उच्च अधिकारी थे, चाहे एसीपी हो, चाहे डीसीपी हो, चाहे डीसीपी हो, उन सबको वहां से हटाने का काम किया गया है और लगातार जो जिन लोगों को चिन्हित करा जा रहा है पुलिस उनको चिन्हित करके गिरफ्तार भी कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।